एक वक्त था जब रांची में खास तरह की साइकिलों का क्रेज था। शहर की हर गलियों और चौराहों पर ये हाईटेक साइकिलें दौड़ती दिखती थीं। खासकर छात्रों के लिए तो किसी सौगात से कम नहीं था। इको फ्रेंडली, सस्ता और सहज सुलभ। बीजेपी की अगुवाई वाली पिछली सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन प्रोजेक्ट के तहत पब्लिक साइकिल शेयरिंग सिस्टम की शुरुआत की थी। उद्देश्य था लोगों को शहर में आने जाने के लिए सस्ता और आधुनिक सवारी मुहैया कराई जाए, साथ में प्रदूषण और जाम से भी शहर को मुक्ति मिले। लेकिन आज ये योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। अब तो कई लोगों का कहना है कि अगर आपने साइकिल ली तो समझ लो आपने मुसीबत मोल ले ली। स्टैंड में खड़ी ये साइकिल आम लोगों को सहूलियत देने के लिए सरकारी पैसों से खरीदी गई थी। सभी साइकिल्स हाईटेक विदेश से लाई गई, जगह जगह स्टैंड बनवाए गए। शुरू में तो ये शहर के कोने कोने में सड़कों पर सरपट दौड़ती दिखती थी, खासकर छात्रों के बीच ये काफी लोकप्रिय हुआ। लेकिन समय बदलने के साथ सूबे की सरकार बदली और साथ में बदल गया पब्लिक साइकिल शेयरिंग सिस्टम। स्टैंड में साइकिलें तो लगी रहती हैं, लेकिन सही रखरखाव के अभाव में जंग खा रही है। सबसे बड़ी समस्या साइकिल का ताला खोलने की है। ताला या तो खुलता नहीं और अगर खुल जाए तो जल्द बंद होता नहीं। ये बाइक कभी कभी मतलब जब लॉक करते हैं उसमें लॉक नहीं होता, मतलब जैसे इसमें ट्रिप एंड करने का आता है तो ट्रिप एंड नहीं होता, तो कि कॉल करना पड़ता वहाँ से और फिर सॉल्यूशन तो गलत हो जाता है इसका। तो कभी कभी लॉक नहीं होता है, मतलब ताला जब लगाते हैं तो लॉक भी नहीं होता, खोलने में कभी कभी दिक्कत। साइकिल जो होना चाहिए वो पर वीक या पर मंथ क्या होना चाहिए कि उसका रिपेयरमेंट होना चाहिए? पर वीक हर साइकिल का निरीक्षण होना चाहिए कि हाँ मतलब ये साइकिल सब कुछ ऑल फिट है। सुबह भी मैं साइकिल चला के जब आ रहा था तो उसका जो पैडल था तो पैडल ठीक नहीं था, पैडल मतलब कभी इधर जा रहा था कभी इधर, तो वो मैं रिपोर्ट किया इशू को, लेकिन उस समय जमा नहीं हो रहा था, वो रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो ये सब चीज़ पर ईयरली मतलब वीकली या फिर मंथली साइकिल्स को प्रॉपर है कि नहीं वो चेक करना चाहिए जो कंपनी जिसका है चार्टर्ड व्हाट्सएप। पब्लिक साइकिल शेयरिंग सिस्टम में कोई दिक्कत ना आए और साइकिल भी सुरक्षित रहे, इसके लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया। साइकिल के ताले को खोलने और बंद करने के लिए चार्टर्ड बाइक नाम के मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है, लेकिन सही मेंटेनेंस के अभाव में अब ये किसी जंजाल से कम नहीं लगता। मतलब कि साइकिल जब भी स्कैन करते हैं उसके बाद लॉक में प्रॉब्लम होता है, इशू बहुत ज़्यादा है, लॉक कभी साइकिल लॉक नहीं होता है, कभी लॉक खुल ही जाता है तो खुलता ही नहीं, चलता ही नहीं। ऐसे खोल के दे दिए तो इसमें कुछ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए सरकार को, क्योंकि स्टूडेंट लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। इशू यही है मेरा, कल भी मेरे दो फ्रेंड यहाँ खोल रहे थे, अभी ऐप में प्रॉब्लम आ जाती है, कभी ऐप मेंटेन सही से करते नहीं है, कभी इनका सर्वर डाउन रहता है। अभी आप चेंज की स्थिति देखिए कितना रश लगा हुआ है, तो सिर्फ साइकिल लोड या अनलोड करने से कुछ नहीं होता, आपको ध्यान भी देना, आपको ये भी देखना है कि लोग साइकिल चला रहे हैं, यूज कर रहे हैं कि नहीं। पूर्व नगर विकास मंत्री सीपी सिंह कहते हैं कि उनकी सरकार खास उद्देश्य से इस योजना को लाई थी, लेकिन सरकार की अनदेखी से एक अच्छी पहल अब दम तोड़ रही है। खास करके विदेशों में देखिएगा इतना प्रचलन है, अच्छे अच्छे घर के करोड़पति लोग भी साइकिल चलाते हैं। इसके दो फायदे हैं, एक तो फायदा ये है कि आप गंतव्य स्थान तक पहुंच भी जाइएगा, दूसरा है कि आपका शारीरिक शरीर के लिए भी आवश्यक है, साइकिलिंग अच्छा चीज़ है शरीर के लिए, और तीसरा है कि प्रदूषण नहीं होगा। लेकिन अब दुरुपयोग करेंगे तो इसका क्या उपाय है भैया? ये जागरूकता स्वयं में लाने की ज़रूरत है। अब मोदी जी रोज स्वच्छता स्वच्छ रखिए, स्वच्छ कीजिए, लेकिन करना तो हमको है, करना आपको है, करना यहाँ की जनता को है। तो मैं यही कहूँगा कि सरकार इसको फिर से ध्यान देगा, क्योंकि मैं तो अब मंत्री हूँ नहीं, तो वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री ही इसके मंत्री हैं, तो कभी कभार इस पर भी ध्यान दें, उस विभाग के पदाधिकारी हैं, इस पर ध्यान दें। इस बात से ज्यादातर लोग सहमत हैं कि पब्लिक साइकिल शेयरिंग सिस्टम एक अच्छी योजना है, जिससे लोगों को न सिर्फ कहीं आने जाने में सहूलियत होती है बल्कि पैसों की भी काफी बचत होती है। पर्यावरण के लिहाज से भी ये काफी अच्छा है, लेकिन रखरखाव के अभाव में ज्यादातर साइकिल्स स्टैंड में खड़ी खड़ी अब जंग खा रही हैं।
और जो लोग इनका इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए साइकिल को लॉक और अनलॉक करना सबसे बड़ी चुनौती है। रांची से कैमरा पर्सन विकास के साथ करिश्मा सिन्हा की रिपोर्ट।